दोस्तों, आप मेरे इंटरव्यू को, मेरी गुफ्तगु को बहुत सुनते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप फीडबैक देते हैं। उसका बड़ा फायदा यह होता है कि मैं हर वीडियो में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करता हूं। पत्रकारिता जगत में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, AR आजाद कि बेबाक गुफ्तगु, बेबाक पत्रकारिता से निश्चित रूप से आप भी वाकिफ होंगे। और मुझे बेबाक लोग बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि गुफ्तगु में अगर बेबाकी नहीं हो, भय व्याप्त हो, तो फिर ऐसी गुफ्तगु क्यों की जाए। तो AR आजाद साहब कई दशकों तक प्रिंट मीडिया की सेवा की और आज भी कर रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दबदबा हुआ तो आपने प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी शिफ्ट किया, तो आप दोनों पत्रकारिता कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी और प्रिंट मीडिया की भी। तो आप बहुत बेबाकी से बात करते हैं। पत्रकारों ने ऐसी बेबाकी या ऐसे बेबाक पत्रकार उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। जो आज पत्रकारिता की बात करते हैं मोदी मीडिया, वहां आप गिन नहीं सकते हैं। तो आपने पत्रकारिता को ही क्यों अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, इस पर हम जानना चाहेंगे। जी, आपका बहुत ही सही सवाल है और ऐसे सवाल से हमारे पाठकों को भी और जो पत्रकारिता में आ रहे हैं उनको भी एक नया रास्ता मिल सकता है। और वो भी आना चाहते हैं तो इस सवाल का जवाब वो खुद से भी पूछते होंगे कि मैं पत्रकारिता में क्यों जाऊं, जो आज पत्रकारिता का हाल है। बहरहाल, आज की पत्रकारिता और जिस दौर में मैं पत्रकारिता रहा, दोनों में बहुत का जमीन आसमान का अंतर आ गया। जी, जिस समय मैं पत्रकारिता में आया वो काल पत्रकारिता के लिए मैं समझता हूं मेरे हिसाब से स्वर्ण काल था। उस समय कलम की ताकत थी, कलम की ताकत की इज्जत होती थी और पत्रकारों को लोग इज्जत भरी निगाहों से देखते थे। आज पत्रकार का मतलब जो है वो गाली हो गया है, या फिर आप जो है गोदी मीडिया, सोधी मीडिया, लोधी मीडिया, आप जो भी मीडिया का नाम दे दे वो दे सकते हैं। आप अपने काल का वर्णन कर दें कि आपको कौन सा काल स्वर्णिम काल लगा। मैं 94 से जब स्टूडेंट लाइफ था, GD कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, BA ऑनर्स का छात्र था, तब से मैंने वो पत्रकारिता शुरू की थी। जी, ये मैंने 1992 में जब बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ था, उस वक्त कुछ लोगों ने जो श्रीनगर रहे थे, जिस तरह की बातें थी भागलपुर के दंगे और कई जगह दंगे हो रहे थे, तब मुझे लग रहा था कि नौजवानों को, खास करके हमारे जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, लोगों से सवाल करना चाहिए कि आखिर जब हमारा खून एक है, हम एक साथ मिलकर जुल के रहते हैं, ऐसी कौन सी आफत आ जाती है कि तुरंत हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जी, हिंदू मुसलमान जो है वो हमेशा मिलकर रह सकते हैं। और यहाँ की जो आबो हवा, यहाँ की जो तहजीब है, ये गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, इस संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता है, कोई न तो गंगा में बहा सकता है और न जमुनी में डुबो सकता है। तो जब हमको मिलकर ही रहना है, दागदार को कह सकता है, हाँ दागदार कर सकता है, तो वो कलंकित देश होता है। जी, उस कलंकित समाज होता है। जी, तो इस समाज को हम क्यों कलंकित करें, ये समाज को कलंकित अगर कोई करने दे रहा है तो वो भी दे रहा ही कर रहा है। हाँ, वो भी उतना ही जिम्मेदार है जो कलंकित कर रहा है और जो कलंकित करने दे रहा और जो खामोश होके बैठ रहा है। मुख दर्शक है, तो इतिहास जो है वो उसका भी जो है वो दर्ज होता है, इतिहास में वो भी दर्ज होता है। तो सवाल होता है कि जब देश का नौजवान अगर उसमें ये सोच नहीं होगा कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके हम देश को विश्व गुरु नहीं बना सकते, वो उस समय से हमारा था कि हमारा देश विश्व गुरु था। आपने जो प्रिंट मीडिया को सुना, उस वक्त प्रिंट मीडिया ही का जमाना ज्यादा था। जी, जी। और हम लोग भी दूरदर्शन वगैरह को ही समझते थे कि यही है टीवी चैनल। उसके बाद का दौर आया और आज आप ये बताइए कि उस वक्त जो दूरदर्शन के समाचार हुआ करते थे, उन समाचारों में जितनी बातें दी जाती थी जितनी प्रमाणिकता के साथ, क्या आज के जो बड़े बड़े जिसको कथा कहते नंबर वन जी, तो क्या वो दे पाते हैं उनके पत्र का? नहीं, आज जो जिसको आप किस वजह से गोदी मीडिया कह रहे हैं, ये मीडिया भी इस तरह से उंगली उठा रहे हैं। और आज का जो मीडिया है वो एक
इसे दो घराना तीन घराना ने उस मीडिया को कब्जे में ले लिया, खरीद लिया, ये बंधक बना लिया और वो सरकार के अधीन हो गया और सरकार ने उसको उस घराने को बंधक बना लिया। तो ये जो व्यापार का एक खेल हो गया, या आज का मीडिया व्यापार कल भी, इसलिए कि अखबार ये चैनल वही लोग निकाल सकते हैं जो व्यापारी हो सकते हैं या उनके पास पैसे हो सकते हैं, जमींदार हो सकते हैं, कहीं ना कहीं जब तक ये खेल जो है जैसे चैनल है, एक चैनल अगर मान लीजिए जिसको लोग आज तक कहते हो एनडीटीवी कहते हो, ऐसे चैनल खोलने के लिए कम से कम जो है 1000 करोड़ की जरूरत है। अब आप बता सकते हैं कि 1000 करोड़ रुपया जो है जिसके पास होगा वो किन के पास होगा, लेकिन उनका एक दायित्व है। जब गोयनका, जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस अखबार निकाले थे तो वो अपने दायित्व से बिजनेस को अलग रखते थे और खबरों को अलग रखते थे, तो वहां कहीं हस्तक्षेप नहीं होता था, कहीं विज्ञापन के लिए समझौता नहीं होता था, आज खबर को ही विज्ञापन बना दिया गया। ये जो त्रासदी है जिसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं, हम लोग पीक पत्रकारिता के दौर में पूरी तरह आ गए हैं और इससे जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक जो है आप पत्रकारिता की जो है अच्छाई जो है बीते दिनों की बात मान के ही चलेंगे, मौजूदा दौर में आपको कोई अच्छी बात, सच्ची बात, खबर कहीं टीवी पर नहीं मिलेगी, आपको वो खबर टीवी पर दिखाई देगी जिस खबर से हम दो भाई आपस में लड़ लें, दो कौम आपस में लड़ लें, इससे देश अशांत होगा और जब देश अशांत होगा तो इससे दुनिया भर में इस देश की जो है किरकिरी होगी और जाहिर सी बात है फिर विकास जो है वो विकसित देश होने का जो सपना है हम विकासशील बनकर ही रह जाएंगे, उस सपने को पूरा नहीं करेंगे। इसलिए सपने को पूरा करने के लिए हम लोग को मिलकर राजनीतिज्ञों को और राजनीति को अच्छे से समझना होगा। ये राजनीति और आज की राजनीति जो है वो विकृत राजनीति हो गई है, घिनौनी राजनीति हो गई है, उससे हमारी जो मृग तृष्णा है उस तृष्णा को अपने अंदर से खत्म होना होगा। अच्छा एक बात और बताइए कि जब से गुड मीडिया का चलन हुआ है, संजीदा जो गंभीर दर्शक हैं टीवी चैनलों के उनकी मृत्यु बढ़ी है और देखना बंद कर चुके हैं, यूट्यूब पर जो ईमानदार और नामवर पत्रकार हुए हैं उन्हें को देखना पसंद कर रहे हैं, तो क्या ये इससे मीडिया का नुकसान हुआ है कि नहीं? मैं फिर कहूंगा कि कहीं भी किसी का नुकसान होता है तो वो देश का नुकसान है। ये हमको समझना चाहिए कि मीडिया का नुकसान क्या हो रहा है, मीडिया घराने का नुकसान नहीं हो रहा, मीडिया घराने को फायदा हुआ, मीडिया का नुकसान होने का मतलब ये सच्चाई का कत्ल हो रहा, जो अच्छी चीज आनी चाहिए उनका कत्ल, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो उनको हाशिए पे रख दिया गया, जो हमको जिनको दिखाना चाहिए कि अगर कोई पुलिस अफसर अच्छाई से काम कर रहा तो हम उसको नहीं दिखाते, हम दिखा रहे हैं कि एक पुलिस अफसर से कोई गलती हो गई तो उसको इतना हाईलाइट करते हैं कि उसको सुसाइड कर देते, उसको शर्मसार कर देते, तो ये मीडिया का काम किसी का कपड़े उतारना नहीं है, मीडिया का काम जो है कपड़े डालना है और डालना, उसके बाद उसको सबक सिखाना, बताना है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना, मीडिया का काम कुछ करना भी है, डांटना भी है और सबसे बड़ी चीज है कि सच्ची तस्वीर पेश करनी है। आज मीडिया सच्ची तस्वीर पेश नहीं कर रहा, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा, वो नेताओं का पिछलग्गू बन गया, उसको मीडिया को लगने लगा है कि जब तक हम पावरफुल नेता हो पावर के साथ नहीं रहेंगे हमारा मीडिया घराना नहीं, हम घाटे में चले जाएंगे, ये डर उसको जो है वो नेताओं का पिछलग्गू बना दिया, सरकार का पिछलग्गू बन गया। मीडिया का काम है कि सरकार को चेतावनी देना, सरकार को रास्ता बताना और मीडिया सरकार से सवाल पूछना, ये उसका राजधर्म है। मीडिया अपना राजधर्म नहीं कर पा रहा, इसलिए भारत के मीडिया पर सीधे कुछ को एक दो को छोड़ दे तो भारत के मीडिया जो है अपना राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि मीडिया के साथ एक मामला ये भी है कि उसको जीवित रहने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता होती है, तो मैं बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क विभाग में भी अपनी सेवा दे चुका हूँ जी, और भारत सरकार में भी इसके लिए सूचना मंत्रालय है, तो इन मंत्रालयों का काम पहले हुआ करता था कि सरकार की उपलब्धि को दिखाना, सरकार की स्कीमों के बारे में जन जागरण पैदा करना, एक बेदारी है, अवेयरनेस है कि अवेयर कराया जाए कि ये स्कीम है, यहाँ आवेदन डालें, ये इनके लिए फायदे की चीज है, ये फायदे की चीज है, लेकिन अब तो आलम यह हो गया है कि जितने भी चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया के लोग हो, वो विज्ञापन की वजह से गलत न्यूज दिखाते हैं तो फिर विज्ञापन उनका बंद है। अगर आप जैसे यार आजाद, आप बताइए कि आपको कितने सरकारी विज्ञापन मिले, आपको नहीं मिलेंगे,
लेकिन अगर हम गोदी मीडिया बन जाए तो मुझे विज्ञापन की कमी नहीं होगी, हमें कलर पेज में मिलेगा, फुल पेज में मिलेगा। तो ये पीआरडी डिपार्टमेंट जो पब्लिक रिलेशन जो सरकार का है, चाहे वो राज्य सरकार का हो चाहे भारत सरकार का हो, ये मीडिया मैनेज करने के लिए एक तंत्र के रूप में काम नहीं कर रहा है। देखिए ये तो शब्द उठा, ये अभी जो है वो सबसे बड़ा खतरा जो है 2000 जब अटल जी की सरकार थी 2004 तो उन्होंने ही अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है लघु पत्रिकाओं को विज्ञापन देने का मापदंड ऐसा बना दिया था कि कोई लघु पत्रिका पनप नहीं सके। आपको आज भी होगा कि आज कोई भी सरकार होती है वो बड़े घराने को मैनेज कर लेती है जी, लेकिन इस देश में इतनी लघु पत्रिका है कि उसको मैनेज करना किसी सरकार के बूते का काम है। अब सरकार की एक योजना है कि छोटी पत्रिकाएं, लघु पत्रिका जिस पर समाज का विश्वास है, उसके भरोसे का कत्ल कैसे किया जाए, उसको जो है वो पनपने ही नहीं दिया जाए, उनको ऑक्सीजन नहीं दिया, और किसी भी पत्रिका का ऑक्सीजन विज्ञापन है, तो उस ऑक्सीजन के सिलेंडर को सरकार जो है वो उसमें बंद कर देती है, उसको कोटा में डाल देती है। आप क्या, आपको तभी ऑक्सीजन मिलेगा, तभी विज्ञापन मिलेगा जब ये शर्त पूरी कीजिए, और वो शर्त जो है लघु मीडिया जो है वो नहीं पूरा कर सकती किसी भी हाल में। तृष्णा वाली है, पानी तो दिखाई देगा लेकिन पानी है आप, आपके लिए है, आपको भी मिलेगा, सिर्फ बड़े चल आपको भी, आप ये चीज ला के दीजिए जो कि संभव है। पहले का विज्ञापन का मतलब होता था कि लोक कल्याणकारी सरकार उसी को बोलते हैं कि जो दबे कुचले, जो गांधी जी के अंतिम व्यक्ति की जो सूत लेती है, आज गांधी जी के अंतिम व्यक्ति की सूत नहीं ले जाती है, आज सबसे जो शीर्ष पर है, जो बिजनेसमैन है, जो खा के आए हुए हैं, उन्हीं को खिलाने की कोशिश की जा रही है। तो आप सबसे बड़ी चीज जो आप देखेंगे कि जो लघु पत्रकार की कोई आवाज नहीं है जी, इनके अंदर कोई एकता नहीं है, इनकी अभी तक जो है कोई एसोसिएशन है जगह जगह, बस वो कागज पे अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते, इसलिए कि जो लोग आवाज बुलंद करते हैं किसी के 10 अखबार भी है, किसी के 5 अखबार भी, उनकी भी गर्दन फंसी हुई है। अभी मोदी सरकार ने 2019 के बाद कम से कम 500 से ज्यादा अखबारों का लाइसेंस रद्द किया है। अच्छों के साथ जो है वो कई बार गलत लोग जो होते हैं वो ज्यादा प्रभावी होते हैं। पीआरडी जिसकी बात कर रहे हैं या आप वहां का डीएवीपी में, वो मैनेज करने वाले जो लोग होते हैं वो खुद विज्ञापन ले रहे थे जी, वो अखबार उनका निकल रहा कि नहीं निकल रहा, लेकिन उनके यहाँ चेक जा रहा, उनका सब कुछ हो रहा, वो विज्ञापन छप भी रहा कि नहीं। ऐसे 500 लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से कहा गया कि पैसा लौटाए, और ऐसे पत्रकार ऐसे प्रकाशक भागे फिर रहे हैं। तो ये देश की स्थिति है कि जहां आप जो है कोई भी काम कराइए, आपके पास कागज नहीं है, और आप उस कागज के बदले गांधी जी को दीजिए, आपका कागज वहां जमा हो गया, वहां कोई पूछने वाला आज तक नहीं है कि इनका कैसे हो गया और उनका कैसे हो गया। सरकार खुद से एक अगर अलग से विभाग रखती कि हमारे जो लोग हैं जिनको दे रहे हैं उनको क्यों दे रहे हैं, जिनको नहीं दिया उनको छांटने का क्या आधार है, वही ये इसकी कोई जो है, इसलिए वहां के जितने स्टाफ है, जितने ऑफिसर है, वो निश्चित है कि हमारे ऊपर कोई तलवार, मेरी गर्दन पर कोई तलवार लपलपाने वाली नहीं है, कोई तलवार लटकने वाली नहीं, वो निर्भय है, जिसको चाहते हैं देते, जिसको चाहते नहीं देते। तो कुल मिलाकर यही वजह है कि हमने डीवीपी भी नहीं कराया, कि हम डीवीपी में जो है वहां का जो खेल है उस खेल से हमारा कोई मेल नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आपका जो प्रिंट मीडिया जिसे आपने अपने पत्रकारिता जीवन का मैं कहूंगा आरंभ ही किया ये दूसरा मत, तो दूसरा मत को आप कई दशक से निकाल रहे हैं, तो किस तरह निकाल पा रहे हैं? ये पत्रकारिता जो है वो एक जज्बे की उड़ान है, अगर वो आपके पास है तो पैसे सेकेंडरी चीज हो जाती है। पैसा बाजार से कैसे लिया जाता है वो हम जानते हैं, दिल्ली में हमने इतने दिनों तक पत्रकारिता की, हमने दूसरा मत जो है 2002 में निकाला है जी, उससे पहले मैं कई अखबारों में काम कर चुका हूं जी, तकरीबन जैसे कर दूंगा, जैसे हमने अपने जब पढ़ने के टाइम जो है बेगूसराय टाइम्स में मैंने काम किया था, बेगूसराय टाइम्स, बेगूसराय का मतलब 4-5 जिलों का वो इकलौता अखबार था, उस वक्त मैंने 92 में बेगूसराय टाइम्स से मैं जुड़ा था। मैं फिर 95 में मैं दिल्ली गया था, दिल्ली में मैं एक इंडिया केसरी ट्राई वीकली था, ट्राई वीकली सप्ताह में 3 दिन वो अखबार निकलते थे, वो ट्राई वीकली था, उस अखबार में मैंने 6 महीना काम किया। उसके बाद माधव कांत मिश्र जो पटना के एक अखबार के, दो अखबार के संपादक थे, उन्होंने वो लाया था कुबेर टाइम्स, कुबेर टाइम्स 95 में आई थी और वो लॉन्च हुआ 96 में, 96 जो है फरवरी से
कुवैत टाइम्स में बाजाप्ता स्टाफ रिपोर्टर 4 साल 2000 तक रहा। फिर 2001 में हैदराबाद से जब ईटीवी रामोजी राव, अभी अभी उनका देहांत हुआ है, फिल्म सिटी उन्होंने बनाई थी, बहुत फेमस हैदराबाद में फिल्म सिटी रामोजी राव का, उसी फिल्म सिटी में उन्होंने हिंदी चैनल की शुरुआत की थी। उसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड को उस समय उन्होंने हिंदी पट्टी, हिंदी पट्टी के नाम पर 4 चैनल उन्होंने खोला था। पहले से उनका तेलुगु और उर्दू चैनल चल रहा जी। तो हम लोग 2001 में जाकर हिंदी चैनल, आप कह सकते हैं कि हम ही लोग चैनल को सीखने में वाले थे और चैनल को गुरु कराने वाले थे, यानी कि वो पहला ऐसा चैनल था जो मतलब की बजाता चैनल के तौर पर चल रहा था। बाकी सब जगह उस टाइम जो था, आज तक भी था, आधे घंटे पे करना, सिर्फ एक दूरदर्शन था जो फुल फ्लैश चल रहा। तो ये शुरुआत रामोजी राव ने हिंदी में वो की थी, उसमें हम लोगों ने काम किया। उसी वक्त जब मैं दिल्ली आया तो एक ख्याल आया कि एक अपनी मैगजीन खोली जाए। उससे पहले मैं एक ही कतरा मैगजीन निकालता था जो रजिस्टर थी। मैं जब कुवैत टाइम्स था उससे पहले से मैगजीन जो है, यानी दिल्ली गया था तो दिल्ली में 95 से आप कह सकते हैं कि एक एक कतरा नाम की एक मैगजीन मंथली निकालती थी, जो साहित्यिक और जिस तरह से दूसरा मत उसी तरह से। लेकिन वो किसी वजह से बीच में कुछ अंक हमारे रुक गए थे, तो ईटीवी में जाने की वजह से, तो हमने फिर उसको स्टॉप करके फिर हमने दूसरा मत 2002 से उसको कंटिन्यू निकाला, आज भी निकल रहा। और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं भी काम करता हूं तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता जी। कोई छुपा के नहीं हो रहा, हमारे जितने इंटरव्यू में मालिक है वो सब कहते हैं कि आप निकालिए, आप हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है जी। और उनकी अनुमति होती है, जिस चैनल में अनुमति होती है मैं उस चैनल को ज्वाइन करता हूं, जिस चैनल में अनुमति होती है नहीं आप दूसरा मत को बंद करके आइए, मैं उनको प्रणाम करके आ जाता हूं। अच्छा, इसके बाद आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आप जुड़े हैं, इस सिलसिले में थोड़ी सी बातें होगी। हाँ, उसमें ईटीवी के बाद जो है एक इंडिया न्यूज चैनल है दिल्ली से निकलता है जी, इंडिया न्यूज में काम किया। फिर P7 न्यूज चैनल है उसमें काम किया, GI इंडिया में मैंने काम किया चैनल में। उसके बाद जो है एक चैनल बन करके आता है उसमें मैंने काम किया, और फिर एक्सप्रेस टीवी में मैंने काम किया। राजा साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने जिस बेबाकी की बात मैंने की है, आपने हमारे व्यूअर्स को उसी बेबाकाना अंदाज में बात की। एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा।